एक समय था कि जैनियों लोग मांस मिलाते थे, जो दिगंबर दिगंबर सेवा करते थे। हम लोग देखते थे रास्ते में, हंसते थे, यार यार मांस लगा चल रहा है, कैसे मांस लगा रहा है। आज देश की क्या स्थिति होगी? आज देश का हर नागरिक मास्क लगाने पर विवश है, क्यों? हम कोरोना की बात बाद में करेंगे, पहले हम आपको संस्कृति सभ्यता और संस्कार की बात करता हूं। आज जब गांव समाज में जब बच्चे गलती करते थे या करते हैं, तो लोग समाज के लोग कहते हैं, कौन सा तुम पाप काम कर दिया, गलत काम किया कि तुम समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं हो। दर्शकों को गौर कीजिए मेरी बातों को। आज हमने अपने संस्कारों को संस्कारहीन कर दिया, संस्कार कर रखा है। आज हमने प्रकृति से इतना खिलवाड़ किया है कि आज मुंह दिखा नहीं सकते, क्या करते, मुंह ढक के चल रहे। ये प्रकृति का देन है। गंगा सफाई का अभियान चला था मोदी जी के द्वारा, और 2020-21 में प्रकृति ने खुद गंगा साफ कर लिया, कोई सफाई की आवश्यकता नहीं हुई। तो प्रकृति को किसी की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकृति के विपरीत चलेंगे तो आप गिरेंगे। हवा चलता है पसिया, हम पूरा दौड़ेंगे तो बिल्कुल गिरेंगे। तो कहने का तात्पर्य दर्शकों है कि आज जो मास्क लगाने की परिस्थिति बनी, जो कोरोना की स्थिति बनी है, ये भी कहीं ना कहीं एक हम संस्कारहीन होते जा रहे हैं, अपने धर्म को धीरे धीरे खोते जा रहे हैं, इसका एक परिणाम है। आज बुजुर्गों का सम्मान खत्म होते जा रहा है, परिवार नाम का चीज खत्म होते जा रहा है। धीरे धीरे यही हाल रहा ना, तो माँ पिता को याद करना भूल जाएंगे, मेरी बातों को गांठ मान लेना। आज बच्चे यदि संस्कारहीन हो रहे हैं, संस्कार को खो रहे हैं, इसके दोषी बच्चे नहीं है, इसके दोषी हमारे ऐसे अभिभावक भी हैं। हमने बच्चों को IAS IPS बनाना तो सिखा दिया, कोशिश किया, लेकिन बच्चों में एक अच्छा संस्कार आए ये हमने कभी प्रयास नहीं किया। बच्चे दोषी नहीं है। तो हम बात कर रहे थे खास करके कोरोना की स्थिति पे। 2020 कोरोना का प्रथम लहर था दर्शक, और 2020 के फरवरी नहीं, मैंने 2019 के, आप इस चैनल देखिए, डेट में बता रहा हूं आपको, 12 नवंबर 2019 में मैंने स्पष्ट कहा था कि आने वाला समय में विश्व युद्ध ऐसा कुछ कार्य होगा जो व्यक्ति परेशान हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। और 2020 में कोरोना ने अटैक किया, फिर 2020 में ही मैंने गणना किया था कि 2021 में फिर पटका मारेगा, और 2021 की मैं बात करूं तो सितंबर से लेकर के मैंने दिसंबर तक लगातार कहते रह गया टीवी पे कि आप स्थिर रहें, 2022 में फिर एक झटका मारेगा फरवरी में, और देखिए फिर आपको नमूना आपके हाथ में। अब होना क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी परिवार हैं, बिल्कुल नियम से इसकी पालन तो करें। जो सरकार का आदेश है, जो नियम तो होनी चाहिए, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, बिल्कुल करना है तो करना ही है, लेकिन थोड़ा सा आप अपने धर्म पर, अध्यात्म पर रुचि बढ़ाने का प्रयास करें। और मैं आपको ज्योतिषीय गणना के आधार पर बता दूं कि भारत की कुंडली में चंद्र में शनि की दशा चल रखी है, ये भारत में छूता नहीं हो सकता। इससे जब जब विश्व युद्ध हुआ है तो लोगों ने, पहले ज्योतिषों ने कहा है कि ये युद्ध होने वाला है। यदि किसी ज्योतिष की भविष्यवाणी गलत होती है, वो ज्योतिष गलत हो सकता है, ज्योतिष विज्ञान गलत नहीं हो सकता है। कोई रोगी मर जाता है, डॉक्टर गलत हो सकता है, डायग्नोसिस गलत हो सकता है, मेडिकल साइंस गलत नहीं हो सकता है। तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि ये आपके अंतिम चरण है, अंतिम चरण, और आने वाला समय में जुलाई के बाद माता रानी का आशीर्वाद से हम लोग इससे पूर्ण निजात पाने का प्रयास करेंगे। और मैं आपको विश्वास से कहना चाहूंगा कि आने वाला जो जुलाई अगस्त आने वाला है 2022 का, इसके बाद कोरोना ऐसे, ओमिक्रॉन ऐसे से हम बहुत दूर कोसों चले जाएंगे। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा कि आप बच्चों को IAS IPS बनाए बहुत जरूरी है, लेकिन बच्चों में एक अच्छा संस्कार डालने का भी प्रयास करें। आज भारत कहां जा रहा है, दुख होता है। आज भारत ऐसे देश में वृद्धाश्रम धन है ऐसे बच्चे, जिस बच्चों को मां ने 9 महीना पेट में रखा, जिस माँ बाप ने चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, जिस माँ बाप ने इस लाइक आपको बताया, जिस भगवान की मूर्ति को इंसान ने बनाया उसकी आप पूजा करते हो, और जिसने आपको बनाया उसको भूल जाते हो, कहाँ गया संस्कार आपका? आज उस माता पिता के लिए वृद्धाश्रम धन है ऐसे बच्चे, अपना भी नाम उसमें एंट्री करवा ऐसे बच्चों भविष्य में, क्या आपका कहीं आपको भी वहीं पर एंट्री ना मिल जाए। तो हम सभी से निवेदन करना चाहेंगे, यदि मेरी बातें कुछ करीबी लगी हो दर्शकों, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन मैं जरूर निवेदन करूंगा खास के नवयुवकों से, पीढ़ियों से, बच्चों से, कि अपने अपने संस्कार को जागरूक करें। माँ पिता के चरणों में जन्नत होता है, जन्नत। बहुत बदनसीब बच्चे होते हैं जिनको माँ पिता का सेवा करने का मौका नहीं मिलता है। कद उससे पूछो जिसके पास माँ बहन नहीं है, कद उससे पूछो जिनकी नहीं होती है बहना, गाना सुना है आपने ना, तो कद उससे पूछो कि जिसके पास माँ बाप नहीं होते हैं, वो क्या समझते हैं।
तो दर्शकों इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा, पुनः फिर अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।